हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर एंड केयर विद माया। आज मैं आपके साथ में ये वीडियो जो शेयर कर रही हूँ, ये हमारा फैमिली ट्रिप है जो हम जा रहे थे नियाग्रा फॉल, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। और ये था है कल सुबह का वीडियो, दैट इज़ 24th of December, एंड हम थर्सडे मॉर्निंग था और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे नियाग्रा के लिए निकलने की। और ये हम रोड ट्रिप्स कर मतलब से गए, हमारी खुद की गाड़ी लेके हम निकले थे। और ये सुबह सुबह का है, श्रुति जो है वो उठ गई थी सुबह 5:30 बजे ही, और उसने हमारे लिए चाय बनाया था हम दोनों के लिए। और फिर बाद में मैंने ये पूरा फुल चाय बनाया था, एक बड़ा थर्मस भर के, ट्रैवलिंग के लिए, हमारे जर्नी के लिए चाय मैंने ले लिया था, जो हमें पूरे दिन काम आया। शाम को भी हमने ये पहुंचने के बाद भी ये चाय लेके मतलब पिया था, और ये गर्म था काफ़ी। तो ये है जो हम रेडी होने के समय ये लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन कर रहे थे। सभी लोग, श्लोक स्पेशली बहुत इरिटेट हो रहा था कि बहुत डिले हो रहा है। मापा ये सब आइस में खराब तो नहीं हो जाएगा? बस करी होगी, अभी लंबा नहीं तो आएगा नहीं मेरे पास। डोंट यू थिंक वी आर गेटिंग लिटिल लेट? आई नो वाइंस श्लोक। नहीं श्लोक, डू यू वांट टू टेक अवर सांता विद अस? यस, रास्ते भर में मुझे बचता है। हाँ बचता रहेगा, क्या मैं खा सकती हूँ? अरे श्रुति, व्हाट इट इज दिस? या श्योर, ये सी जी, चलो जल्दी जल्दी फटाफट मां पापा के हाथ से फोन खींचो। यहाँ पे निकलते वक्त भगवान के पैर छूते हुए ये लास्ट में हम निकल के और कार में बैठ गए थे सभी लोग। और हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा था, हमने शुरू किया अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग, और बहुत ही अच्छे टाइम पर हम 4 बजे पहुँच गए थे। श्रद्धा इधर देखो, नियाग्रा फॉल हमारे होटल। लोग बाबू, ओ वीडियो है, चलो जर्नी शुरू। बाय बाय घर, बाय कार। ये मम्मी की गाड़ी हम फर्स्ट प्लेस पे रख सकते थे। श्लोक काफी अपसेट हो रहा था, स्पेशली क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए थे निकलने में। हमने हमारा प्लान था 7 बजे का कि 7:00 हम निकल लेंगे, बट मैंने मन में तो सोचा ही था कि 8 बज जाएंगे, बट इसीलिए 7 का एस्टिमेशन रखा था। बट वो एकदम ही अपसेट हो रहा था कि 7 बजे निकलना था और 8 बज गए। एक्चुअली निकलते निकलते ऑलमोस्ट 8:20 हो गए थे, 8:30 के आसपास। फिर भी हमें था कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएँगे। होटल का चेक इन टाइम 3 बजे का था, तो मुझे था कि 4 बजे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, एंड दैट विल बी फाइन। और यहाँ पर सनसेट जो है अराउंड 4:45 होने का टाइमिंग था यहाँ नियाग्रा फॉल में, तो इसीलिए वी वेर होपफुल कि हाँ चलो जब तक पहुंचेंगे तो सनसेट के पहले पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम अपने घर से जब निकले थे, सुनो चलो अंताक्षरी, मेरा और पापा का टीम है, बच्चों का टीम है, कौन स्टार्ट करेगा गाना फर्स्ट? बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, अच्छा मौसम था, बट हम अंताक्षरी खेल रहे थे और अच्छे से हमने जो है थोड़ा सा हमने शुरुआत की अंताक्षरी खेलने के बाद मिस हो गया। आगे नहीं आता यार मुझे तो, कितना अच्छा गाना, मेरा फेवरेट सॉन्ग। कहाँ से
आशिक है सदियों पुरानी, सदियों पुरानी चाहे। तो इस तरह से हमारे अंताक्षरी का सिलसिला जो है वो चले जा रहा था, और हम थोड़े समय तक गाना गाते हुए इसी तरह चलते जा रहे थे। फिर बीच में कोई सीन आया और फिर अंताक्षरी जो है वो रुक गई, और फिर हम दूसरी बातें करने लगे, और इसी तरह से पूरा जो हमारा रास्ता था वो अच्छे से कट गया। बीच में काफ़ी सभी लोगों ने झपकियाँ ली, सिर्फ शुक्ला जी जो है वो कंटिन्यूस गाड़ी चलाते हुए गए थे। हम लोग ने एक ब्रेक लिया था, जस्ट वन ब्रेक, और वो भी था कि हमें गैस स्टेशन पर गैस भरवाना था, और साथ में कुछ सबको वॉशरूम एक बार जाना था, और कुछ स्नैक्स लेने, जो हम चाय ले गए थे तो हमने सोचा कुछ रास्ते में हम स्नैक्स खा लेते हैं और चाय भी पी लेंगे, और बस वो एक ब्रेक लिया था, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और बच्चे गाड़ी में ही अपना चिप्स और जो भी पॉपकॉर्न्स खा रहे थे, और फिर हम पहुंच गए 4 बजे। और ये जो ट्रिप है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रिप है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारा फर्स्ट फैमिली ट्रिप है कहीं भी बाहर हम अपनी गाड़ी से जो घूमने निकले, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी नहीं है हमारा, बट बहुत सारे मतलब पहचान और फ्रेंड्स बन गए हैं। तो हम लोग फिर भी हम इंडिया में, जैसे हम कभी वेकेशंस में मुंबई चले जाते थे, या सब मुंबई से लोग हमारे पास आते थे अहमदाबाद में, या हम लखनऊ जाते थे, या कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते थे, बट यहाँ पर आने के बाद में उस तरह का ट्रैवलिंग और साथ में कोई जो ट्रिप्स हम ले करते थे, यूजुअली अंबाजी और माउंट आबू चले जाते थे हर उत्तरायण में, जब संक्रांति की छुट्टी होती थी तो हम स्पेशली ज़रूर जाते थे अंबाजी और माउंट आबू, और उसके बाद भी कोई भी ऐसे लॉन्ग वीकेंड मिलता था तो हम कहीं भी आसपास घूमने निकल जाते थे, जो भी हमारे गुजरात के आसपास में लोकल प्लेसेस है। कई बार हम जयपुर चले जाते थे, तो ऐसे हम रोड ट्रिप्स करते रहते थे हमेशा। बट जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने इतनी कभी लॉन्ग ड्राइविंग और लॉन्ग जर्नी ट्रैवल नहीं की थी, तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल ट्रिप था। तो बहुत एक्साइटेड थे हम कई दिनों से कि हमें कहीं जाना है, कहीं हम प्लान करेंगे घूमने जाने का, ये 4 दिन की छुट्टियां आ रही है तो, और काम से रूटीन से यही रोज़ के मतलब इतना बिजी स्केड्यूल से, और स्पेशली ये एक साल से कोरोना से हम इतने ज़्यादा अब वो हो गए हैं, मतलब फुल हो चुके हैं, कि बस ऐसा था कि कुछ चेंज, एक चेंज चाहिए, कहीं तो बस घर से बाहर निकलना है, दूर जाना है, घर से दूर कहीं चले जाएं। हमें पता था कि ये टाइम सही नहीं है, और नेक्स्ट 4 दिन का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ठंडा और नेगेटिव में है, -7-5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और स्नो भी होने वाला है ये भी पता था, बट फिर भी हमने प्लान किया कि नहीं हम कहीं मतलब जाएंगे, बुक किया हमने टिकट यहाँ के लिए, और हम ये अपना जर्नी जो है वो शुरू कर दिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें कि एक्साइटेड थे, और हमारा जो होटल था वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हमने उसकी रेटिंग्स और ये सब देख ली थी, हयात प्लेस, और वो फॉल से बिल्कुल ही क्लोज है, मतलब जस्ट हम यहाँ के पार्किंग स्लॉट से बाहर निकलेंगे और हम नियाग्रा जो फॉल के पार्किंग स्लॉट में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से वॉक करके मतलब हार्डली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है जो हम फॉल देख सकते हैं एकदम पास से, और यहाँ से हमारे रूम के विंडो से ही हम कनाडा के जो बड़े बड़े टावर्स हैं और सारे उनके जो रोड्स हैं, इवन रात के समय जो गाड़ियाँ आ रही है पास हो रही है वो भी सब दूर से हम देख रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में कि इतने क्लोज से हम कनाडा को देख रहे हैं, बस एक रिवर के उस पार कनाडा है। और लास्ट ईयर भी हम आए हैं नियाग्रा फॉल, ये हमारा सेकेंड विजिट है, बट हम तब उस समय मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, हम एक दूसरी फैमिली के साथ आए थे, वो समर का टाइम था, वो एक अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पे, मतलब यहाँ पे इतनी क्राउड थी और वो गर्मी का टाइम था, तो बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट मतलब एटमॉस्फियर था। एक्चुअली वही एक
प्रॉपर टाइम है यहाँ घूमने आने का, बट ऐसा नहीं है यहाँ तो थ्रू आउट द ईयर जो है टूरिस्ट होते हैं, स्पेशली ये स्नो के टाइम पे थोड़े से कम होते हैं, और फेस्टिवल है, न्यू ईयर है और क्रिसमस टाइम है, तो बिल्कुल ही सारे स्टोर्स भी बंद है, दुकानें भी बंद है, मतलब यहाँ पे सब कुछ एकदम ही बंद है। बट ये होटल में भी काफ़ी फैमिलीज़ है जो घूमने आई है इस समय भी, तो सभी लोग इस तरह से प्लान करके अपनी फैमिली के साथ समय बिताने आए होंगे। और ये देखिए, ये जब हम पास हो रहे थे तो ये ग्रेवयार्ड हमें दिखा रोड के साइड में, और ये बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड था, एंड वाज सो सरप्राइज टू सी इट, इतना बड़ा और जस्ट नेक्स्ट टू द रोड। तो ये यहाँ पे बीच में ऐसा ये आ गया था, मतलब ग्रेवयार्ड दिख नहीं रहा था, तो आई वाज सो क्यूरियस टू सी कि ये जब ये जो ब्रिज है ये ख़त्म होगा उसके बाद भी वो ग्रेवयार्ड कंटिन्यू होगा कि नहीं, तो मैं वेट ही कर रही थी देखने के लिए कि इसके बाद ग्रेवयार्ड दिख रहा है कि नहीं, कितना बड़ा ग्रेवयार्ड है। और सच में दिखाई दिया, मतलब ये जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद फिर से वो ग्रेवयार्ड कंटिन्यू हुआ था, एंड बहुत ही बड़ा मतलब प्लेस था ये, जहाँ पे लोगों को मतलब दफन करने वाला जो प्लेस था, ये बहुत ही ह्यूज एंड वास्ट रीजन में कवर्ड था। सो ये देखिए, अभी फिर से ये दिखना शुरू हुआ था, और यहाँ से फिर श्रुति ने सर्च करना शुरू किया ऑनलाइन कि लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड तो नहीं है यही, यूएसए का बिगेस्ट ग्रेवयार्ड यही तो नहीं है। और फिर हम लोग ये ऐसे ही बातचीत करते हुए आगे निकल गए, यहाँ से पास हो गए। यहाँ पे रोड्स और ये बिल्डिंग्स और ये सब देखते हुए मुझे काफ़ी कुछ मुंबई की याद आ रही थी, कि वहाँ भी जब भी हम वेकेशन में या छुट्टियों में जाते थे अहमदाबाद से मुंबई, तो हमेशा रोड का काम चलते ही रहता था, हमेशा काम चलता था, और मैं हमेशा हम लोग वो सोचते थे कि क्या कभी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होता काम, और उसके बाद भी रोड में इतने खड्डे हो जाते हैं, इतने मतलब ओकेशनली जब भी जाओ तो हमें वो स्पॉट्स मिल ही जाते हैं रोड पर जहाँ पे गाड़ियाँ जो है पंप करते हुए जाए, तो वो सीन और वो रोड्स और ये दीवारें ये सब देखते हुए मुझे काफ़ी कुछ ऐसा कॉमन सा लग रहा था, इंडिया की याद आ रही थी देखते हुए जाते हुए। तो कहीं भी हम रहते हैं, हम हमेशा कोई भी चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, इवन यहाँ तक रात के समय जब मैं ब्रिज से गाड़ी ड्राइव करके जाती हूँ और वो रोड दूर दूर से छोटी छोटी लाइट्स दिखती है, तो मैं तुरंत उसको रिलेट करती हूँ कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम हमारे कौन सा वो मैं रिवर फ्रंट का जो ब्रिज है वहाँ से जा रही हूँ और वहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स जल रही है, तो हमेशा हम रिलेट करते हैं हर चीज़ को देखकर, इंडिया की चीज़ों से बहुत याद आती है। और तो अच्छा लग रहा था ये इतनी लंबी ड्राइविंग, और ये लाइक अभी तो रोज़ का जो हमारा रूट है वही हम रोज़ ही देखते हैं, रोज़ वहीं ड्राइव करते हैं आते जाते हैं, तो ये एक डिफरेंट लाइक रूट लिया था हमने, तो हमें अच्छा लग रहा था पास करते करते जाना। और जब हम पेंसिल्वेनिया में थे वहाँ पर बहुत ही सुंदर सीन था ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, और बहुत अच्छा अच्छा मतलब स्लोप्स थे और प्लेट्यूज थे जहाँ पे बहुत स्नो थे, स्नो जो है वो लास्ट वीक हुआ था, लास्ट एक हफ्ते पहले, ठीक एक हफ्ते पहले स्नो हुआ था यहाँ पे, और अभी तक स्नो थे और जिसके ट्रेसेस अभी भी पूरे किनारे जो रोड के वो पूरे स्नो से भरे हुए थे, ऐसा लग रहा था फ्रेश स्नो हुआ है वहाँ पे, तो मतलब मेल्टी एक्चुअली टेम्परेचर जो है वो कम ही था हमेशा से, एक हफ्ते से जो है टेम्परेचर जो है वो 0, 1, 2 और माइनस में ही है यहाँ पे हमारे यहाँ भी, तो इस वजह से जो
हमें पता ही नहीं चल रहा था कि स्नो जो है वो मेल्ट ही नहीं हुआ। इवन हमारे घर के बाहर भी अभी भी स्नो जो है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुए थे, एक ढेर की तरह सब पड़े हुए स्नो हमारे घर के बाहर भी हैं अभी तक, थे हम निकले उस दिन भी थे तो। बट जहाँ मैं जॉब करती हूँ उस एरिया में, जब जैसे हम और ज़्यादा साउथ के तरफ जा रहे हैं वहाँ पे स्नो कम हुआ था, तो वो एक दो दिन में ही पूरा वैनिश हो गया था। बट हमारे एरिया में अभी भी स्नो है, और जैसे जैसे हम और नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो स्नो बहुत ज़्यादा दिखे जा रहा था रोड के किनारे। हम लोगों ने प्लान बनाया था मतलब ऐसे ही अचानक से करीब 10-15 दिन पहले मैं ऐसे ड्राइव करके आ रही थी और मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बातें करती हुई आ रही थी, और मैंने उनसे कहा कि चलो मेरी 4 दिन की छुट्टियां हैं, हम कहीं चलते हैं बाहर, कहीं घूमने निकलते हैं, बहुत बस कहीं जाना है मुझे, बस अब मन नहीं हो रहा कि 4 दिन घर पर ही बिताएँ, बस कहीं चलते हैं, कहीं प्लान करिए, ढूंढिए कोई आसपास कोई मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो तो हम जाएंगे, 2 दिन कहीं होटल में रह के आ जाएंगे। तो वो उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया मेरी बात को कि उन्होंने फिर तुरंत ही प्लान किया और सब कुछ चेक कर लिया और प्लान किया कि हम फ्लोरिडा जाएंगे। और फ्लोरिडा अराउंड 1500 miles है, जो ड्राइव करके जाने में ही कम से कम मतलब 15 to 16-17 hours तक लग सकते थे, वहाँ जाने में ही 15-16 घंटे का जो डिस्टेंस है, और उससे भी ज़्यादा ही लगता मतलब पहुँचने में, अगर बीच में इतना लंबा ट्रैवलिंग है तो दो या तीन हॉल्ट लेंगे तो कितना समय लगता वहाँ ड्राइव करके पहुँचने में ही, पूरे एक दिन चले जाते हमारे ऑलमोस्ट 24 घंटे। तो मैंने कहा अरे मैंने नज़दीक का कहीं का प्लान करने को कहा था, इतना दूर ड्राइव करके जाने का कोई भी मन नहीं है, और अभी इतना इतना दूर ट्रैवल करने का कोई मतलब नहीं है कोरोना टाइम में, स्टेट चेंज करना और फिर स्टेट का रूल्स काफ़ी अलग अलग है हर जगह, वहाँ जाओ वहाँ पे फिर क्वारंटीन करने को कह देंगे तो हम वापस कैसे आएंगे, सिर्फ 4 ही दिन की छुट्टी है, 14 days की छुट्टी नहीं है जो क्वारंटीन में बिताना है हमें। तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे फ्लोरिडा का सुन के, डिज्नी वर्ल्ड का सुन के, उन लोगों ने तो होटल सब देख लिया था, कहाँ रुकना है, कौन कौन से राइड्स लेने हैं, सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया था। बट मैंने स्ट्रिक्टली मना किया, अगर घूमने कहीं जाना है बस कहीं पास में जाना, इतना दूर नहीं जाना कि फिर वहाँ से जाना और आना ही कर पाए हम, वहाँ पे कुछ ज़्यादा रह नहीं पाए, 2 दिन में 2 दिन तो आने जाने में लगेगा और 1 दिन रहने को मिलेगा, फिर मतलब ही नहीं है कि हम कहीं भी ऐसे जाएं। तो स्ट्रिक्टली हमने फिर प्लान जो है वो मतलब चेंज किया कि अच्छा ठीक है वो हम कभी और जाएंगे किसी और टाइम में, जब कोरोना से फ्री हो जाए हम, उसके बाद प्लान करेंगे, बट अभी फ़िलहाल कहीं नज़दीक में ही जाके आते हैं। और नियाग्रा फॉल ऐसा है जो ऐसे तो ये भी काफ़ी दूर है, अगर फुल कंटिन्यूस ड्राइविंग करें तो 7 hours तो फुल ड्राइविंग का लगेगा, लेकिन और हम 7 hours में ही पहुँचे, बट फिर भी मतलब पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। सब स्पेशली क्यों मुझे ज़्यादा पास लगता है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क स्टेट में ही है, और कितना भी अगर हम मतलब ड्राइव करके आते फिर भी ऐसा लगता है चलो न्यूयॉर्क में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है न्यू जर्सी दोनों नेबरिंग स्टेट्स है और पास ही लगता है हमेशा, तो इसलिए मुझे ये यहाँ आना ज़्यादा अच्छा मतलब फील हुआ कि ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। और मैंने ये भी सोचा कि अगर हम कितने भी मतलब अगर जैसे पता ही था कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, स्नो होगा, ठंडी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, माइनस में टेम्परेचर होगा, और वर्स टू वर्स केस में अगर नहीं अच्छा लगा या बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ पे आने के बाद, तो एटलीस्ट वी कैन गो बैक, ड्राइव करके वापस हम जा सकते हैं, और बहुत दूर स्टेट में गए और वहाँ पे कुछ और इशू हुआ स्पेशली ड्यू टू कोरोना, और
फिर हम वापस जल्दी आ नहीं पाए, हमें वहाँ पे क्वारंटीन करने को कह दिया गया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़्यादा दूर जाने से। और ये जो है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट जो है वो ट्राई स्टेट है, और यहाँ पे जो रूल्स है वो तीनों स्टेट में, मतलब ऐसा समथिंग है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट समथिंग विच माई हस्बैंड सेड कि यहाँ पे जो है वो जो क्वारंटीन के रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, और ये जो है तीनों ट्राई स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम, मतलब उन लोगों का रूल्स होता है, तो यहाँ पे रूल्स भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, चाहे वो रोड रूल्स हो या जो भी और भी दूसरे रूल्स हो, कोरोना के रूल्स हो। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसा लगा कि यही ट्रिप लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, वो भी मतलब उन्हें भी बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी सालों के बाद में इतनी लंबी ड्राइव कर रहे थे। और हम तो इंडिया में, हमने ज़्यादा इवन फ्लाइट की भी ट्रिप नहीं ली है, क्योंकि जब जहाँ ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो हम मेरे हस्बैंड साथ में होंगे तो हम कार से ही निकल लेते थे, हमने बहुत ज़्यादा फ्लाइट की और ट्रेन की ट्रिप्स नहीं की है। ट्रेन की ट्रिप्स तभी ही ज़्यादा हुई है या फ़्लाइट की ट्रिप्स तभी ही हुई है जब हस्बैंड मेरे साथ में नहीं होते थे, मैं बच्चों के साथ अकेले कहीं ट्रैवल करती थी तो ही मैं ट्रेन से या फ्लाइट से जाना प्रेफर करती थी, बट अदरवाइज़ तो हम कार से ही निकल लेते थे, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे जयपुर, चाहे लखनऊ, चाहे कहीं भी हमें जाना है, तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि हम गाड़ी से ही निकल लेते थे। और उनको ड्राइविंग का इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेते, कंटिन्यूस ड्राइव करते, बस एक हॉर्न लेंगे जिससे में सब कुछ हो जाए, ड्राइव अपना गैस और स्नैक्स और वॉशरूम और सब फ्रेश होके सब वापस से कार में बैठ जाएं और फिर से वो कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं। तो इस वजह से, और ये उनको एक्सपीरियंस काफ़ी सालों के बाद हुआ तो वो भी काफ़ी उनको अच्छा लग रहा था कि मैं इतने सालों बाद इतना लंबा ड्राइव कर रहा हूँ। और ये हमने एक ब्रेक जो लिया था वो यहाँ पे था, ये पेंसिल्वेनिया स्टेट में, और ये गैस स्टेशन पे हमने गैस भी भरा है, ये सेल्फ सर्विस वाला गैस स्टेशन था, कोई भी नहीं था यहाँ पे काम करने वाला, सही अपने लिए गैस फिल करना था कार में, और मस्ती चालू है इन लोगों की, यहाँ पे कैमरास लगे होंगे और सब लोग फ्रेश हुए। I'm sorry, it can't be open. बेटा यहाँ पे सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। तो वे यू हेडिंग मिस माया? शुरू से बताते आ रहे हैं, फिर से वही बंद करूँ? हाँ। लोग आप क्या खा रहे हो बाबू? शो मी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी यार, तो दिन जो मैं कवा इंडियन चाय मुझे फील से बोल रहा था। श्रुति एंड श्रद्धा क्या खा रहे हैं? चाय पी रहे हैं। हाय हाय श्रद्धा, हाँ, फर्स्ट ब्रेक, तुम्हारी माँ तुम लोगों को स्टार बनाने वाली है। हाथ से कैमरा ही गिर गया। आपको मां वैसे वाले यूट्यूब्स बनाने चाहिए जिसमें वो लेडीज अपना घर दिखाती हैं। यू नीड अ सेल्फी स्टिक माया, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर। मैं चलूं अब निकलूं? स्टार्ट। लास्ट। अरे इस थैले में डालो सब कचरा, इसमें कचरा है। चलो सब लोग सब अपने ग्लासेस एक के अंदर डाल दो, मुझे मिल गया। और इस ब्रेक के बाद फिर से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई, और इसके बाद हमने डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पे ही स्टॉप किया। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बारिश, मतलब रास्ते में हमें बारिश मिल गई थी पेंसिल्वेनिया स्टेट में, और कितने स्नो है यहाँ पे,
रोड के दोनों साइड। ये बीच बीच में पिक्चर्स मैंने डाले हैं, ये तो जब ट्रैवलिंग के समय के ही पिक्चर्स हैं। और हम लोग फिर जो है वो कंटिन्यू करते गए। यहाँ पे कितना स्नो है, हैवी स्नो जो है वो जम गया है और जैसे लग रहा है फ्रेश स्नो है, बट यहाँ पे हमने चेक किया तो ये लास्ट वीक के ही स्नो जो है वो अभी भी मतलब एक्यूमुलेटेड थे, निकले नहीं थे, ख़त्म नहीं हुए थे। और ये ब्रेक के बाद में हमने फिर से अपनी सफ़र जो है वो शुरू कर दी। और इतने ब्यूटीफुल और इतने अच्छा लग रहा था हर एक सीन ही। इस पूरा जो डिस्टेंस था जो हमने ट्रैवल किया 7 घंटे का, वो पूरा बाहर का जो सीन था वो बहुत ही अच्छा, नेचर से भरा हुआ और बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, जो घर या ट्रीज और स्नो बादल जो भी दिख रहे थे, इतना अच्छा देखते हुए हम रोड जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूस ही रिकॉर्डिंग और वीडियो लेते रहूं मैं, जो भी दिख रहा था सीन सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखते हुए। और मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग भी किया जब मैंने ये पूरा वीडियो जब जोड़ा था, पूरा क्लिप्स जब मतलब ऐड करके टुगेदर एक साथ में जब जोड़ के मैंने रेडी किया, तो वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का बना था। फिर उसे सारा एडिट करके मैंने तो सोचा था जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी मैं एज इट इज़ ही पोस्ट कर दूँगी, ना वॉइस ओवर देने का ज़रूरत पड़ेगा, ना मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम जो ट्रैवल कर रहे हैं और डिस्टेंस जो न्यू जर्सी से हमारे घर से लेकर पूरा नायग्रा तक का आपको ट्रैवलिंग रोड्स जो है मैं दिखाते हुए चलूँगी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ 2 घंटे का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, तो इतना ज़्यादा सबके मतलब का और काम का बात नहीं होता, जो किसी को क्यों इतना इंटरेस्ट आएगा वो सब सुनने में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा सब एडिट करके और इसे जो है फास्ट करना पड़ेगा मुझे, डिस्टेंस को जो भी है थोड़ा थोड़ा फास्ट करके बहुत सारा मैंने क्लिप्स को कट किया, यही जो बाहर की सीनरी को, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटिन्यूस वीडियो देखने बैठना किसी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिर मैंने इसे काफ़ी कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया, बहुत सारे एडिट किए। और ये मैं अर्ली मॉर्निंग अभी यहाँ मैं बैठी हूँ रूम में और बच्चे जो हैं वो गए हैं नीचे स्विमिंग करने और जिम में गए, यूज़ करेंगे मोस्टली, तीनों बच्चे स्विमिंग करने गए हैं और अभी शुक्ला जी भी नीचे गए और वो भी बच्चों के साथ में ज्वाइन कर लेंगे स्विमिंग करने में। और मैंने कहा कि मैं ये काम कर लेती हूँ क्योंकि इसके लिए साइलेंस चाहिए, तो वो गए हैं नीचे और फिर उसके साथ बच्चों के साथ में थोड़ा देर बाद मैं उनको टेक्स्ट करूँगी तो वो लोग ऊपर आएंगे, फिर जिम में जाएंगे, क्योंकि ये जो बाहर का सीन है वो बिल्कुल जाने जैसा नहीं है, कहीं भी पूरा स्नो से कवर्ड है, रोड तक स्नो से कवर्ड है। और जनरली तो जब रोड पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो कंटिन्यूसली जो ट्रक्स होते हैं वो आते रहते हैं जो स्नो को हटाते हैं, वैसे यहाँ भी आए थे मॉर्निंग में, हमने एक ट्रक को देखा था, बट पूरी तरह से उसने रोड पर से स्नो हटाया नहीं है। तो हम जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए गए थे नीचे तो रोड पे काफ़ी स्नो दिख रहा था, तो उससे पता चल रहा है कि लोग भी कम ही होंगे बिकॉज़ आज क्रिसमस का दिन है और नेशनल हॉलीडे है इन लोगों का, तो कोई भी काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए लोग भी कम हैं इनके पास में जो ट्रक से रोड पर का स्नो हटाएं। तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि पूरी तरह से स्नो हटानी है, क्योंकि ये तो अंदर अंदर का रोड है जहाँ पर सारे जो है शॉप्स हैं और होटल्स हैं, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा जो मेन रोड्स हैं वहाँ के स्नो हटाए गए होंगे। और यहाँ पे भी आया तो था, थोड़ा सा हटा भी है, बट पूरी तरह से स्नो जो है रोड के नहीं गए हैं, तो कार ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि स्नो जो है वो हार्ड हो चुके हैं और इस पर काफ़ी स्लिप होता है कार, तो इसलिए हमने कहा कि चलो हमारे जो होटल में है स्विमिंग पूल एरिया है जो बहुत ही अच्छा, मतलब फुल्ली पैक्ड रूम है और हीटेड रूम है, तो अंदर तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है पूरे होटल में कहीं भी हम घूम रहे हैं तो, और स्विमिंग का पानी भी जो है पूल का वो गर्म पानी है, वार्म वाटर है,
तो श्लोक सुबह से ही स्विमिंग कर रहा था, अभी शायद वो उसे जिम में जाना था, तो अभी उसके पापा उनको ज्वाइन करेंगे और बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बच्चे हमने कहा अब हम बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे यहाँ, तो इसलिए चलो हम घर के यहाँ पे अंदर ही जो है होटल के अंदर भी जो भी फैसिलिटीज़ है तो हम उसी से जो है हमारा टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय करें और ये मेमोरीज़ भी हम कलेक्ट करें, थोड़ा सा डिफरेंट मेमोरीज़ की जहाँ हम बाहर नहीं निकले बट अंदर। बट मुझे फॉल देखने जाना है, जो हम मे बी आफ्टर लंच हम बाहर निकलेंगे वॉक करके ही फॉल के तरफ फिर से जाएंगे और देखेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सब पिक्चर्स भी कवर करूँगी। तो मेरा इंटेंशन नहीं था इतना बड़ा वीडियो बनाने का, बट मुझे ये बातें भी करनी थी और मुझे ये रास्ते भी आपके साथ शेयर करने थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, और कि किस तरह से जो रोड्स जो है कितने लंबे लंबे रोड्स होते हैं जो कहाँ से कहाँ जो है कनेक्ट कर जाते हैं, कितने स्टेट्स को और कितने प्लेसेस को कनेक्ट करते हुए जो रोड्स है वो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ इस एरिया में, और देखिए सब पूरे तरफ किनारे जो है वो स्नो से भरे हुए थे। हम लोग फिर बाद में काफ़ी टाइम जो है वो म्यूज़िक एंजॉय करते हुए अपने हिंदी सॉन्ग्स, और बीच बीच में एक आध झपकी लेते, बच्चे लोग ने तो अच्छा झपकी लिया और मुझे भी एक आध बार झपकी आया, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे ना आए, नींद ना आए, क्योंकि फ्रंट में बैठ के ड्राइवर्स के सीट के बगल में बैठ के अच्छी बात नहीं है सो नींद आ जाए तो सोना, बिकॉज वो कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे और थोड़ा कुछ ना कुछ बातें करते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर नहीं तो उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाए और बाई चांस उनको भी सुस्ती आ जाए तो वो अच्छा नहीं है ड्राइविंग करते वक्त। और वैसे भी इतनी बारिश हो रही थी और ध्यान पूरी तरह से रोड पे रखना भी बहुत ज़रूरी था, और रोड्स जो है वो काफ़ी कई बार ऐसे थोड़े थोड़े टर्न्स आते थे, क्योंकि फाइनली ये सारे जो रास्ते हैं वो तो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं या प्लेटोज होते हैं उनको काट कर ही बनाए गए होंगे, तो वो एकदम स्ट्रेट रोड नहीं होता, जैसे एक स्ट्रेट हाईवे रोड होता है वैसा नहीं होता, ये काफ़ी टर्न ट्विस्ट हाइट स्लोप और इस तरह के रोड्स होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से चलते रहना बहुत ज़रूरी है। इतने सुंदर इतने ब्यूटीफुल सीन्स के बीच में गाड़ी को बस सामने देखते हुए चलाना भी काफ़ी टफ है, क्योंकि हम तो अपने अगल बगल के सारे जो नेचर्स को देखते हुए जा रहे थे, बट जो ड्राइविंग करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो थोड़ा भी अपना नज़र जो है वो हटा के एक भी बार वो देख सके। और ये हमारा जो ये सामने जो इतना हमें डिस्टर्ब कर रहा है, मैं भूल गई इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारे सीन को कवर करे जा रहा है, बट दैट्स ओके। मैंने बाद में कैमरा को जो है अपने फ़ोन को, एक्चुअली फ़ोन इज़ माय कैमरा, जिसे मैंने सेट कर दिया था हमारे इस पे होल्डर, एक है कैमरा होल्डर हॉरिजॉन्टली, जिससे ये सारा जो वीडियो है वो कैप्चर हुआ, और बहुत ही इजी हो गया था फिर इस तरह से कैप्चर करना, क्योंकि हाथ में होल्ड करके नहीं रखना पड़ रहा था फ़ोन को, और ये अच्छे से सीन जो है वो लिए जा रहा था। और अब ये जो कैमरा होल्डर है उसको मैंने अपनी तरफ टर्न कर लिया था कि ये हमें भी कैप्चर करे, थोड़ा सा हमारा भी सीन देख लीजिए। और फिर से ये देखिए स्टार्ट हो गई थी हमारी जर्नी, और जब ऐसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देखते थे तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये भी हमें इंडिया की याद दिलाते हैं। और हम जहाँ रहते हैं न्यू जर्सी में वो एक टाउन है, सो यहाँ पे सब टाउन्स हैं छोटे छोटे, तो ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को बहुत ही कम मिलती है, तो मैं जब भी मुझे चांस मिलता है और ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है।
और इंडिया की याद आती है कि कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हमारे यहाँ होते, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के, जो मैं यहाँ पे न्यू जर्सी के टाउनशिप में मिस करती हूँ देखना। अगर हम न्यूयॉर्क साइड जाएं मेन सिटी में, तो वहाँ पे तो बहुत, वो तो कुछ ज़्यादा ही ऊँचे बिल्डिंग्स दिखेंगे फिर। बट फिर भी जो ऐसे इस मतलब एटलीस्ट 15-20 फ्लोर्स के जो बिल्डिंग दिखते हैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं देखना। और मेरा हमेशा मन होता है कि हम कभी भी अगर घर लें, तो हम ऐसे ही अपार्टमेंट्स, मतलब ऐसे फ्लैट में लें। तो मेरे हस्बैंड हमेशा नाराज़ होते हैं कि तुझे फ्लैट्स क्यों पसंद है, बट मुझे हाउस या बंगलो से ज़्यादा अच्छा फ्लैट सिस्टम लगता है हमेशा से। मे बी थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाउस जो है बहुत बड़ा होता है, ऊपर नीचे इतने फ्लोर्स होते हैं, इतने कमरे होते हैं, और फ्लैट जो होता है वो बस, मतलब पूरे सब कुछ सामने ही होता है। हमारे किचन, हमारे रूम्स, हमारा लिविंग एरिया, सब कुछ हमारे सामने होता है, नज़र के सामने। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक पर्पस और भी है कि क्लीनिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है, नहीं तो ऐसे ऊपर क्लीन करने जाओ, नीचे आओ, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। ये सब कुछ हमारे आँख के सामने है, तो हमें पता है कि हाँ ये रूम साफ़ हो गया, अभी नेक्स्ट रूम जाना है। तो सब कुछ एक ही लेवल पे होता है, इसलिए मुझे फ्लैट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो आप लोगों को कौन सा, किस तरह का घर पसंद है, अपार्टमेंट्स लाइक फ्लैट्स या हाउसेस बंगलोज, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना। अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मुझे मेरी ये वीडियो को हिट, मतलब लाइक भी करना, और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये तो फ्री है। आप अगर उसे देख रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव इंटरनेट, तो ये उसके बाद तो फ्री ही है। तो और आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, कि अगर जो भी सजेशन हो, तो मैं उसे अपने वीडियोज़ में मतलब अप्लाई कर सकूं। और आपको किस तरह के वीडियोस या कंटेंट देखने हैं, आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस तरह के कंटेंट्स जो है वो ला, मतलब बना सकती हूं। और मैंने, मेरे प्लानिंग में है कि मैं काफ़ी सारे जो अपने कुकिंग के साथ में, मैं जैसे बच्चे, मेरी बच्चे तो अभी बड़े हो गए हैं, तो वो खुद से ही पढ़ लेते हैं। जो बड़ी बेटी कॉलेज में है, श्रुति भी अभी 12th में आ जाएगी, बट श्लोक छोटा है, तो मैं उसकी पढ़ाई कैसे देखती हूँ, और उसको मैं कैसे पढ़ाती हूँ, और कैसे वो उसका कैसे, कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, वो सब भी शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपको देखना है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना, सो मैं वैसे कंटेंट के भी वीडियोस बनाऊँगी। और ये अब हम आ चुके थे, ये जो नायग्रा फॉल्स है, ये बफेलो जो है उस टाउनशिप में या उस सिटी में है। तो हम बफेलो सिटी में हम आ चुके हैं, और अब हम अपने होटल के तरफ जा रहे हैं, और जो बिल्कुल नायग्रा फॉल्स के पास में था। तो अब यहाँ पे भी शाम के करीब करीब 3:30 बज चुके थे हम पहुँचने से पहले, और हम मतलब कितनी बारिश थी यहाँ पे शाम से ही, और देखिए कितना अंधेरा सा होना शुरू हो गया था 3:30 बजे के आसपास से ही। और ये देखिए हम जो है काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स के। कुछ ऊंचे ऊंचे टावर्स जो है वो इस तरफ भी है न्यूयॉर्क साइड में, बट जो बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं जो आप देखेंगे, वो नदी के उस पार है जो कनाडा में है। और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर टावर्स लगते हैं कनाडा के, और बहुत लाइव मतलब स्टेट लगता है ये जो है ऑन्टोरियो, जो हमें दिखता है जो स्टेट, जो नदी के उस पार, बहुत ही लाइवली स्टेट है वो, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्पेशली रात में इतनी सुंदर उसकी लाइटिंग्स, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें लाइट्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आई रियली विश कि कभी हमें उस तरफ भी हम जाएँ, और वहाँ पे देखें एग्जैक्टली, देखिए ज़मीन और सब कुछ तो सेम है, बिल्डिंग सब कुछ सेम है, लोग भी वही हैं, बट फिर भी कितना फ़र्क होता है जब हम इस तरफ हैं, तो हमें उस तरफ जाने की या उस तरफ देखने की एक्साइटमेंट होती है, शौक होता है।
और तो बट आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड टू एवरी वन हु हैज ब्लेस्ड अस, हु हैज़ ऑलवेज kept their trust on us and has always supported us. And we also wish कि हम भी कभी भी जिसकी भी हो सके हमारे तरफ से हम ज़रूर उसकी हेल्प करें, उसे गाइड करें और अच्छा करें, अच्छा अच्छे इंसान का जो कर्तव्य है उसे निभाएं. और देश में, वैसे भी देश में, दुनिया में बहुत सारी तकलीफ और दुख हैं, हर तरफ है, तो हम अपने तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करें जो किसी को तकलीफ दे और दुख पहुंचाएं. तो हमारी कोशिश हमेशा ही यही रहेगी, अपने दिल से, अपने अपने मतलब इच्छा से हम कभी किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का जो है वो काम नहीं करेंगे. बाकी जो है अच्छा बुरा वो सब भगवान जो है, हमें इतना ट्रस्ट है कि भगवान जो है सबके साथ अच्छा करता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो यही नोट्स पे अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के बिल्कुल पास और ये वीडियो के एंड पे आ चुके हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि जब हम यहाँ पे और कैसे हमने स्पेंड किया वो हम आपको दिखाएंगे. ये है मेरा होटल का व्यू, रोड के सिग्नल के उस पार हैं हम और अब आ गए हैं, सिग्नल क्रॉस करके हम अपने होटल में आ चुके थे. एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि जिन्होंने हमें हेल्प किया जो हम यहाँ तक पहुँच गए अच्छे से, सेफली विद अवर होल फैमिली ऑन टाइम एंड एकदम स्वीट एंड साउंड हम आराम से पहुँच गए थे. वो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान का और मेरे हस्बैंड का जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचाया और ये एक्सपीरियंस को विटनेस करवाया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड द रूम इज फॉल फेसिंग एंड सी यू सून. दैट्स गुड. टेक केयर. चलो ना हमारे साथ.